सब्सक्राइब कीजिए इट्स टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों क्या आप भी कभी फेक ऐप का शिकार बने हैं क्या? मतलब अपना डेटा चोरी होता है, अपने फोन का डेटा चोरी होता है, और वो किस लिए होता है, और कौन सी ऐप्स होता है, और कैसे ऐप से होता है, और आपको क्या करना है अगर आपका डेटा चोरी नहीं होना है तो आपको क्या करना है, सेफ रहना है तो आपको क्या करना है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको कुछ भी नहीं, वीडियो को एंड तक देखना। आप एंड तक देखेंगे ना तो अपने मोबाइल का डेटा अपना चोरी होने से आप बचा सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। दोस्तों बहुत लोग का डेटा चोरी भी हो गया है और बहुत लोग का डेटा चोरी होता है, और किस लिए मैं बता देता हूँ आपको। गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसमें है ना कुछ फेक एप्लीकेशन में, तो आप फेक एप्लीकेशन का आप शिकार बनते हैं ना, तो इसलिए फेक एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं ना, तो इसलिए ना अपना फोन का डेटा चोरी होता है। और किस लिए चोरी होता है और आपको कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको सब कुछ बताऊंगा आपको। आप मान लो कि अभी आप कैमरा ऐप को डाउनलोड कर लिया, कैमरा ऐप तो उसको आप ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद उसमें अलाउ कर देते हैं आप सब कुछ, आप सबको आप अलाउ कर देते हैं एक्सेस डेटा और ऐसा कुछ पूछता है, पूछने के बाद सब कुछ आप अलाउ कर देते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेस ऐसा कुछ भी आता है आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सबको आप अलाउ कर देते हैं, सब अलाउ करते करते जाते हैं। अलाउ करने के बाद है ना सो आपका डेटा चोरी हो सकता है। अभी आपको कैमरे से और आपको डेटा से आपको कॉन्टैक्ट से क्या मतलब है, उससे क्या लेना देना है, उससे कुछ लेना देना नहीं। कुछ कैमरे की एप्लीकेशन में, कुछ अलग एप्लीकेशन में भी कुछ एक्सेस डेटा को अलाउ करो बोलता है और कॉन्टैक्ट को अलाउ करता करो बोलता है, ऐसा ऐसे कुछ भी एप्लीकेशन में आता ना, कुछ ऐसे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी आया ना तो समझ लेना कि फेक एप्लीकेशन है। तो अपना सब कुछ आप अलाउ कर देते हैं ना, अपना कॉन्टैक्ट और एक्सेस डेटा सब कुछ आप अलाउ कर देते हैं ना, अलाउ करने के बाद है ना आप वो हैक कर सकते हैं, तो अपना डेटा ना आप चोरी कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। हैक करने के बाद अपना डेटा चले जाएगा, चले जाएगा मतलब हमारा डेटा कॉपी होकर उनके पास भी चले जाएंगे, और कुछ कहीं लीक भी कर देते हैं डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है कुछ किसी को दिखाना नहीं होता है, ऐसे डेटा भी होता है, प्राइवेट डेटा भी होता है, वो लीक कर देते हैं, लीक करने के बाद ना हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको फेक ऐप से बचो, फेक ऐप से आपको बचना है, फेक ऐप को आप ओपन नहीं करना, फेक ऐप को आप डाउनलोड नहीं करना, कुछ ऑफिशियल एप्लीकेशन को ही आपको डाउनलोड करना है, ऑफिशियल आपको एप्लीकेशन ही यूज करना है, कुछ फेक ऐप को डाउनलोड मत करो। प्रीमियम वर्जन में था और उसको हम फ्री में डाउनलोड कर लिया, तुम्हें फ्री में मिल रहा है बोल के तो आपको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद है ना हमारा डेटा उधर उसके पास चले जा सकता है, जा सकता है हमारा डेटा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो आप प्ले स्टोर में बहुत भरे पड़े हैं, डेली क्लीन होते हैं, तो प्ले स्टोर में भी प्ले स्टोर भी डेली फेक एप्लीकेशन को डिलीट करता है, क्लीन करता है, लेकिन फिर भी डेली आते रहते हैं और डेली क्लीन करते रहते हैं, और कभी कभी आप भी फेक एप्लीकेशन का शिकार बन जाते हैं। कोई मान लो कि कोई एडिटिंग का एप्लीकेशन है, उसके प्रीमियम वर्जन के लिए आपको पैसे पे करना पड़ेगा, और हम फ्री में डाउनलोड कर लिया उसको, फ्री में डाउनलोड कर लिया कहीं से, क्रोम से कोई ब्राउजर से कहीं और से आप फ्री में डाउनलोड कर लिया उस एप्लीकेशन को, फ्री में डाउनलोड करने के बाद है ना हमारा हो सकता है डेटा उसके पास चोरी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है वो है ना सो डेटा हैक करने के लिए एप्लीकेशन बने, काम अच्छा करते हैं सो एप्लीकेशन, काम अच्छा करते हैं लेकिन वो अंदर से ही हमारा काम गलत करते रहते हैं, कुछ डेटा भी हमारा चोरी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं तो हमारा अपना डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, अपना कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट डेटा, किसी किसी का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, प्राइवेट डेटा होता है, तो वो आगे वो हैक करके लीक कर देंगे, लीक करने के बाद है ना हमको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप प्रीमियम वर्जन का एप्लीकेशन है तो आपको पैसे पे करके लेना है, लेकिन वही आपको यूज़ करना है, आप फ्री के चक्कर में मत जाना, सो फ्री के चक्कर में जाकर आप अपना डेटा वगैरह कुछ खो सकते हैं और आप फेक एप्लीकेशन का शिकार बन सकते हैं। इसलिए आपको फेक एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाउनलोड करना, कोई ब्राउजर से प्रीमियम वर्जन का है तो इसको हम फ्री में डाउनलोड करेंगे, कुछ भी लगाकर हम फ्री में डाउनलोड करेंगे, कुछ ऐसा कोई ट्रिक निकाल कर हम इसको फ्री में डाउनलोड करेंगे, ऐसा करेंगे प्रीमियम वर्जन को फ्री करेंगे, कुछ ट्रिक लगाकर वैसा वैसा करके आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। फ्री के चक्कर में जाएंगे ना तो अपना डेटा आप खो सकते हैं, तो खो सकते हैं मतलब किसी और के पास चला जा सकता है, अपना डेटा हैक हो सकता है, इसलिए आपको फ्री के चक्कर में बिल्कुल भी कभी भी नहीं जाना है। एप्लीकेशन के मामले में आप कुछ पैसे देंगे ना तो आपको प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएगा, कुछ सेफ एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको ऑफिशियल ऐप आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको कुछ पैसे देंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं, सोचने की बात है ये भी, आप सेफ रहेंगे ना, आपको सेफ रहना है तो कुछ प्रीमियम वर्जन आपको खरीद लेना है। प्ले स्टोर में बहुत सारे ऑफिशियल एप्लीकेशन है, तो आपको जिसकी जरूरत है उसको ही रख लेना है, आप हद से ज्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फोन में मत रखना, तो आप रखेंगे ना तो कुछ उसमें फेक एप्लीकेशन भी होते हैं, कहीं कहीं से आप डाउनलोड करते हैं ब्राउज़र से वगैरह, वहाँ से कुछ डाउनलोड करते हैं उसमें फेक एप्लीकेशन भी होते हैं। फेक एप्लीकेशन में एक और बात दोस्तों, ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं, फेक एप्लीकेशन में ना एड्स आते हैं बहुत ज़्यादा,
आप प्रीमियम वर्जन खरीद लेंगे ना तो इसमें एड्स देखने को नहीं मिलेंगे और एकदम सेफ एप्लीकेशन रहेगा दोस्तों। हमारा डेटा चोरी होने का कुछ भी 0% चांस रहता है। ऐसे कुछ फ्री के एप्लीकेशन है तो उसमें ऐड वगैरह आते हैं और इसमें 100% की गारंटी के साथ बोलता हूँ हमारा डेटा चोरी होने का, हमारा डेटा हैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए आपको प्रीमियम वर्जन खरीद के रख लेना है, आप फ्री के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों। खत्म फिलहाल को इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद नीचे कमेंट में बताना जरूर, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लिख और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इट्स टेक्निकल।